इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इधर जदिया। खबरों की शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं अमरोहा के हसनपुर में आयोजित भाजपा युवा कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पिछली समाजवादी पार्टी पर जुबानी हमला बोला। मंच से स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पहली सरकार में बहन या बेटी शिक्षिका निकलती थी तो उनके साथ छेड़खानी की जाती थी और पीड़ित बहन बेटी का रिकॉर्ड थाने में दर्ज नहीं होता था क्योंकि आपके क्षेत्र का एक मियां जान लखनऊ में बैठते थे और मुकदमा दर्ज नहीं होता था। लेकिन आज ये योगी राज में बहन बेटी शाम को 5 बजे नहीं रात को 12 बजे भी आराम से घूमती है और आज बड़े बड़े गुंडे माफिया खुद डर कर भाग रहे हैं। अतीत जैसे माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर योगी जी का बुलडोजर चल रहा है, यही अंतर है पहले और अब की सरकार में। क्षेत्र का एक मियां जान लखनऊ बैठते थे, मुकदमा नहीं लिखा जाता था। आज आ रहे योगी के शासन में 5 बजे नहीं 12 बजे रात में भी हसनपुर से बेटी चाय पीकर, अमरोहा से बेटी चाय पीकर घर चली जाए, किसी की हैसियत नहीं है योगी शासन में कोई छेड़ सकता है। आज बड़े बड़े गुंडे माफिया जेल के अंदर है और सपा के लोग कहते हैं मैं आ रहा हूं, क्या करने आ रहे हो हमारे ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए? अरे गुंडों पर बुलडोजर चलता है, अतीक अहमद पर बुलडोजर चलता है योगी सरकार का, उसके संपत्तियों पर चलता है, बीजेपी का शासन है, तुम क्या करने आ रहे हो? गरीबों पर बुलडोजर चलाने के लिए, हम सबको लूटने के लिए? पहली बार इस राज्य के अंदर मित्रों कोरोना जैसे महामारी में माननीय मोदी जी माननीय योगी जी कोरोना जैसे महामारी में टीकाकरण फ्री हुआ।